हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है एडस्टेरा हिडन अर्निंग सेटअप, अर्न $149 डेली विदाउट इन्वेस्टमेंट, एडस्टेरा न्यू अर्निंग ट्रिक। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको अर्निंग यहां पर दिखाता हूं। ये अर्निंग आपको नजर आ रही होगी, इसी मेथड से मैंने ये अर्निंग की है। सो स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी होगा जो क्लियर नहीं हो पाएगा इस वीडियो के अंदर, सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाना। वहां पे आप मेरे से क्वेश्चन एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे आना है एंड यहाँ पर आपको लिखना है चैट जीपीटी। आपको क्या करना है, चैट जीपीटी लिखकर आपको सर्च करना है। आप चैट जीपीटी के पैनल पर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपको इस पे अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो मेरी प्रीवियस वीडियोस आप देख लेना, वहां पे मैंने सिखाया है किस तरीके से आप चैट जीपीटी पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखना है, टॉप 10 रियल ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट लिखकर आपको इस तरीके से एंटर मार देना है। फिर चैट जीपीटी आपको एक कंप्लीट पैराग्राफ देगा, टॉप 10 तरीके बताएगा जिन तरीकों का यूज करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कंप्लीट पैराग्राफ यहाँ पर दे दिया है, 10 तरीके बता दिए हैं जिन तरीकों से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, गूगल पे आना है अगेन दोबारा से एंड गूगल पे आपको टाइप करना है गूगल साइट्स। गूगल साइट्स का हम यूज करेंगे लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको फ्री में लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सो हम यहाँ से लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। ये ब्लैंक आपको नजर आ जाएगा, ब्लैंक साइट आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इस तरीके से एक ये एडिटेबल पेज नजर आएगा, आपको इसको एडिट करना है। आपको सबसे पहले ये जो पीछे बैकग्राउंड नजर आ रहा है इसको हटाने के लिए डिलीट का ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और ये पेज आपका यहाँ से इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। फिर आपको यह टेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपका टेक्स्ट यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा। एंड देन इसके अंदर आपको हेडलाइन डालनी है, तो हेडलाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, हेडलाइन आपको ये डाल देनी है, 10 रियल वेबसाइट टू गेट $149 डेली। और यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, मैं यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, 30 पर इतना हो जाएगा और अगर मैं इसको और ज्यादा करूँ तो यहाँ पर ये मेरा साइज हो गया। इसका आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं, गेट $49 ये वाला इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ब्लू कर देते हैं इस तरीके से और इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। सो यहाँ से ये आपका इस तरीके से यहाँ से बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर दोबारा से आपको गूगल पे आना है और गूगल पर आपको यहाँ पर टाइप करना है ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से ये लिखकर आपको यहाँ से एंटर मार देना है। फिर आपको ये इमेज वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपको इमेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है और गूगल से आपको सबसे अट्रैक्टिव जो इमेज है विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, वो इमेज आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आप यहां से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप कैनवा में जाकर कैनवा से क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी मैं ये वाली इमेज यहां से ले लेता हूं, इसको सेव कर लेते हैं इस वाली इमेज को। इस तरीके से आपको यहां से इमेज को डाउनलोड कर लेना है। यहां से मेरी ये इमेज डाउनलोड हो गई, फिर आपको आ जाना है इस वाले पेज पर। यहां पर आपको फिर ये इमेज वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस पर क्लिक करके ये अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको वो इमेज सिलेक्ट करनी है जो आपने डाउनलोड की है और आपकी इमेज यहां पर आ जाएगी। फिर आप इस इमेज को इसका साइज इंक्रीज कर देना जिससे कि वो अच्छी लगे और उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। ये परफेक्ट साइज हो गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले टाइटल आ गया है हमारा, फिर इमेज आ गई है, अब आपको थोड़ा कंटेंट यहाँ पर डालना होगा। सो कंटेंट के लिए आपको आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और आपको यहाँ से ये पूरा कॉपी करना है पैराग्राफ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आपको टेक्स्ट ऐड करना है और फिर यहाँ से आपको ये पूरा टेक्स्ट इस तरीके से डाल देना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है टू गेट बोनस क्लिक हेयर, आपको इस तरीके से लिखना है। और फिर आपको इसको जो क्लिक हेयर आपने लिखा है यहाँ पर, इस पे आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक अपना डाल देना है, एडस्टेरा पर आना है, ये डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, मैंने पुरानी वीडियो बताया है कैसे डायरेक्ट लिंक क्रिएट होता है, सो आप वो जाकर वीडियो देख लेना। यहाँ से मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, सो आप मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर और ये लिंक आपको यहाँ पर डाल देना है और इसको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ से मेरा ये लिंक अप्लाई हो चुका है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका अगर आपको कलर चेंज करना है सो आप यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। ओके,
इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आ जाना है आपको चैट जीपीटी पर, और आपको यहां से ये जितने भी अर्निंग वाले मेथड बताए हुए हैं ये सारा कंटेंट आपको कॉपी करना है, और कॉपी करके आपको यहां पर दोबारा से टेक्स्ट ऐड करके यहां से आपको पूरा कंटेंट यहां पर इस तरीके से ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद आपका यहां से पूरा कंटेंट ये ऐड हो गया। इतना करने के बाद आपको इस वाले पेज को यहां से पब्लिक कर देना है, एड्रेस आपको डाल देना है ऑनलाइन अर्निंग, अगर अवेलेबल होगा तो आप यहां से ये ले सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा जो अवेलेबल हो। तो यहां से ये वाला अवेलेबल है और इसको आपको यहां से इस तरीके से पब्लिक कर देना है। यहां से ये हमारा पब्लिक हो गया है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर एड्स डालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिंक ऐड करेंगे। सो आपको क्या करना है, यहां पर साइट का नाम डालना है, तो साइट के नाम में भी आप अपना डायरेक्ट लिंक यहां से डाल सकते हैं। एडस्टेरा पर जाकर अपना डायरेक्ट लिंक आपको कॉपी करना है, और कॉपी करके आपको यहाँ पे आके इसके अंदर अपना डायरेक्ट लिंक भी डाल देना है, या आपको अगर डायरेक्ट लिंक नहीं डालना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अर्न मनी ऑनलाइन, इस तरीके से आप अर्न मनी ऑनलाइन डाल सकते हैं। फिर आपको ये पूरा टाइटल जो है, टाइटल आपको सिलेक्ट करना है, इसको आपको क्लिक करना है, और यहां से आपको लिंक डाल देना है डायरेक्ट वाला अपना। तो यहां से डायरेक्ट लिंक चला गया। फिर आपको इमेज में भी अपना डायरेक्ट लिंक डालना है, यहां पर सिलेक्ट करके इस तरीके से डायरेक्ट लिंक आप यहां पे भी डाल सकते हैं। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके ये जो स्टार्टिंग वाले वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपको सिलेक्ट करना है वन बाय वन, और इन सबके अंदर आपको अपना डायरेक्ट लिंक ऐड कर देना है इस तरीके से। यहां से मैंने अपवर्क पे कर दिया, और अब मैं फाइवर के ऊपर भी कर देता हूं यहां से इस तरीके से। आपको भी सेम मेरा यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, और यहाँ पर आपको इस तरीके से अपना डायरेक्ट लिंक ऐड कर देने हैं। इस तरीके से मैंने लास्ट वाला भी कर दिया, यहाँ से इस तरीके से आपको अपना डायरेक्ट लिंक इसके अंदर ऐड कर देना है, और अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको पब्लिक कर देना है दोबारा से इस तरीके से। यहाँ पर आपको पब्लिश कर देना है, ये पेज आपका पब्लिक यहाँ से हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने पूरा कॉन्टेंट डाल दिया, मैं इसको व्यू कर लेता हूँ एक बार, आपको दिखा देता हूँ ये पेज आपका किस तरीके से नजर आएगा। ये पेज आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा, करेक्ट। यहाँ पर ये पेज ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर अच्छा खासा ये नजर आ रहा है। अब कोई भी किसी भी यहाँ पर क्लिक करेगा, या इस पर क्लिक करेगा, या इन पर क्लिक करेगा, तो वो आपके डायरेक्ट लिंक पे जाएगा। बट अभी हमने यहाँ पर एड्स नहीं लगाए हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एड्स भी एड लगा देते हैं। ओके, अब वो कैसे लगेगी, तो आपको यहाँ पे आना है, जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से आ जाएंगे हम अपने डायरेक्ट लिंक पर दोबारा से। अब वेबसाइट पर जाएंगे, और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ से एड का कोड सिलेक्ट करना है। अब कोड कैसे लेंगे हम, तो सपोज यहाँ से नीचे काफी सारे मैंने एड लगाए हुए हैं, आपको क्या करना है, इस पेज को कनेक्ट करना होगा, कहाँ पे इस पेज का लिंक आपको कॉपी करना है, और यहाँ पे आ जाना है, वेबसाइट आपको मिल जाएगी। वेबसाइट पर आपको यहाँ से नीचे ये एड वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस एड वेबसाइट के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से आपको अपनी वेबसाइट डाल देनी है, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है सोशल, और यहाँ से आपको जो भी साइज में एड लगाना है, ये वाला साइज ले लेते हैं अभी, इस साइज में एड लगा लेते हैं, और यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं, और यहाँ से अप्रूव हो जाएगी। एक या दो मिनट के अंदर में हमारी ऐड वेबसाइट जो है एडस्टेरा पर ऐड हो जाएगी। यहाँ से ये लैंडिंग पेज नहीं ले रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको ब्लॉगर पर एक ब्लॉगर बनाकर यहाँ से ऐड कर लेना। जैसे मैंने काफी सारे ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी, इनमें से हम किसी का ऐड यहाँ से ले लेते हैं। अब वो कैसे लेंगे, यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से इनएक्टिव है, इसको हम रिज्यूम कर सकते हैं यहाँ से, या जो अवेलेबल है ऑलरेडी मैं उसको यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से ये दो साइज हमारे पास, दो एड हमारे पास एक्टिव है, इसमें से एक इसका कोड ले लेते हैं यहाँ से, गेट कोड, और ये कोड मिल गया आपको, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको वापिस से आ जाना है इस पे, और ये एम्बेड कोड का ऑप्शन नजर आएगा, आपको यहाँ से एम्बेड कोड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एम्बेड कोड पर सिलेक्ट करना है, यहाँ से इस तरीके से कोड डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है, और इंसर्ट आपको यहाँ से कर देना है। आप जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो आपकी जो एड है वो इस तरीके से आ जाएगी, और आप इसका साइज इंक्रीज यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। ये एक एड हमारी यहाँ से इस तरीके से लग गई, और इसको मैं यहाँ से एक बार इसको छोटा कर देता हूँ, जिससे कि ज्यादा स्पेस ये एड ना ले, ये परफेक्ट है। और अब मैं आ जाता हूँ नीचे, एक एड मैं नीचे भी लगा देता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट करके इस तरीके से। फिर इसको इम्बेड कोड करना है दोबारा से, और यहाँ से हमें कोड डाल देना है और एंटर कर देना है, करेक्ट। यहाँ से हम इसको फिर से इंसर्ट कर देते हैं एड को, और ये कोड यहाँ पे आ गया। इसको मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, इसका साइज मैं फिर से छोटा कर देता हूँ। इस तरीके से आपको एड लगा के फिर इसको यहाँ से पब्लिक कर देना है,
पब्लिश पर क्लिक करके यहाँ से इसको पब्लिक कर देना है आपको, तो आपकी एड भी लग गई है, डायरेक्ट लिंक भी लग गया है यहाँ से। अब मैं इसको व्यू कर लेता हूँ, देखते हैं एड हमारी यहाँ पर चली है या नहीं चली है। यहाँ से हम आ गए दोबारा से इस पे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। अब आपको यहाँ पर एड नजर आ जाएगी, ये एड आपको यहाँ पे फर्स्ट नजर आई है, सेकेंड एड आपकी तो सबसे नीचे है। इसमें आप यहाँ पे भी एड लगा सकते हैं, ये जो स्पेस है यहाँ पे भी एड लगा सकते हैं, और जहां पे आपको एड लगानी है वहां पे एड भी लगा सकते हैं। अब क्या हुआ, इससे मेरा डायरेक्ट लिंक यहाँ पे लग गया, इमेज पे लग गया, इस पे डायरेक्ट लिंक लग गया, और यहाँ पे मेरी ये एड भी डायरेक्टली लग गई। तो जहां पे भी कोई भी क्लिक करेगा मेरा, अगर कोई यहाँ पर व्यूवर आता है, सो कोई भी कहीं पे भी क्लिक करता है, सो मेरा वो डायरेक्ट लिंक पर या इन एड्स पर क्लिक करता है, सो उससे क्या होगा, मेरे एडस्टेरा पर ऑनलाइन अर्निंग होगी। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आप इस पेज को कर सकते हैं प्रमोट। अब इस पेज को आपको प्रमोट करने के लिए क्या करना है, आपको इस लिंक को कॉपी करना है, और कॉपी करके आपको आ जाना है फेसबुक पर, और आपको यहां पर आ जाना है क्वेरा पर। क्वेरा पर आपको आके यहां पर इस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है। सेम फेसबुक पे भी आपको यही चीज करनी है, और यहां से आपको सर्च में लिखना है अर्न मनी ऑनलाइन, इस तरीके से लिख के आपको सर्च कर देना है, और यहाँ से आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें आंसर डालने हैं। अब आंसर कैसे डालेंगे, आपको आंसर पे क्लिक करना है, अब आपको यहाँ पे आंसर लिखना होगा, करेक्ट। सो आंसर लिखने के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को आपको टोटल कॉपी करना है, और आपको क्वेरा पे आना है, जहां पे आंसर है वहां पर आपको इस तरीके से डाल देना है, करेक्ट। अब यहाँ पर हमने ये डाल दिया, अब इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, आपके डायरेक्ट लिंक पर, ओके। एंड इसके अलावा आप इस लिंक को भी कॉपी करना और यहाँ पर लिखना एंटर मार के फॉर मोर डिटेल्स विजिट, इस तरीके से आपको लिखकर यहाँ पर ये लिंक भी आप डाल सकते हैं इस तरीके से, करेक्ट। अगर कोई इस क्लिक हेयर पे क्लिक नहीं करेगा तो वो आपके इस पर क्लिक करेगा, एंड इस पर अगर वो कोई भी क्लिक करता है तो वो आ जाएगा आपके इस वाले पेज पर, और इस वाले पेज पर आने के बाद वो कहीं पे भी क्लिक करता है एड पर या यहाँ पर, सो वो उससे भी आपके एडस्टेरा पर ऑनलाइन अर्निंग होगी उस क्लिक के थ्रू, ओके। तो फर्स्ट तरीका जो है इस पेज को प्रमोट करने का ये है। अब सेकंड तरीका बता देता हूँ इसको प्रमोट करने का, वो है फेसबुक। आपको फेसबुक पर जाना है, एंड फेसबुक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च में लिखना है अर्न मनी ऑनलाइन, इस तरीके से लिख के आपको एंटर करना है। अब यहाँ से आपको ये ग्रुप का ऑप्शन नजर आएगा, आपको ग्रुप के ऑप्शन पे जाना है। सो ये जितने भी ग्रुप आपको मिलेंगे इनको आपको ज्वाइन कर लेना है वन बाय वन, एंड ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है इसको, इस पे आ जाता हूं मैं, एंड यहाँ पे आपको पोस्ट डालनी है। और एक चीज याद रखना, इसमें आप पोस्ट डालेंगे तो 100% अप्रूव होगी, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है। अब इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइटल डालना है, ये वाला जो टाइटल है इस टाइटल को आपको कॉपी कर लेना है, और इस टाइटल को कॉपी करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर डाल देना है, करेक्ट। यहाँ पर ये डाल दिया आपने 10 real to get $149 daily, इस तरीके से आपको डालना है। फिर आपको यहाँ पर एंटर करना है और लिखना है फॉर मोर डिटेल्स विजिट, इस तरीके से डाल के आपको यहाँ पर अपना इस लैंडिंग पेज का लिंक आपको मिलेगा, ये वाला, इस लिंक को आपको कॉपी करना है और आपको डाल देना है यहाँ पर इस तरीके से, करेक्ट। अब आप इसको शेयर कर सकते हैं, अगर आप इसको शेयर करेंगे तो फेसबुक आपको ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि गूगल साइट का लिंक आप दे रहे हैं, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दे रहे हैं। आप मेरे से बोलेंगे यहाँ पर तो आप हम एडस्टेरा का डायरेक्ट लिंक भी लगा सकते हैं, अगर आप एडस्टेरा का डायरेक्ट लिंक लगाएंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा। इस वजह से हमने इस पेज का लिंक लगाया है, और कोई भी इस पेज पर क्लिक करेगा तो वो आपके इस वाले पेज पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करेगा तो आपके एडस्टेरा के डायरेक्ट लिंक पर या उसकी एड पर क्लिक आएंगे, और वहां से आपकी ऑनलाइन अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और एडस्टेरा पर पेमेंट कैसे आपको लेनी है, ये पेमेंट वाला ऑप्शन है, यहाँ से जाकर आप विड्रॉल कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियोस इससे रिलेटेड अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप एडस्टेरा से पेमेंट भी विड्रॉल कर सकते हैं बहुत सिंपल स्टेप में। सो आई होप कि आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको एक सिंपल सा हिडन सेटिंग करनी है। एडस्टेरा हिडन अर्निंग सेटअप मैंने आपको इसके अंदर बताया है। अर्न $149 आप डेली यहां से कमा सकते हैं विद बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। एडस्टेरा न्यू अर्निंग ट्रिक मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। आई होप कि आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। अगर आपको सारी डिटेल समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है सो आप मेरे को इस टेलीग्राम पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, और
व्हाट्सएप पे आकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स डेफिनेटली आपको वहां पे दे दूंगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।